प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं सुरेश कुमार, सहायक आचार्य रणनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ चूरू। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय रणनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय प्रमुख राज व्यवस्थाएं के बारे में, आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है सीनेट का संगठन या सीनेट की संरचना, यानी अमेरिका की जो व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है सीनेट, उसकी संगठन और संरचना के बारे में बातचीत करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों या सभी प्रांतों या अमेरिका के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिकी संघ की प्रत्येक राज्य इकाई द्वारा सीनेट में अपने दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। यानी अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसमें अमेरिका का प्रत्येक राज्य या प्रत्येक प्रांत कम से कम दो प्रतिनिधि भेजता है। दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार सभी प्रांतों को है, सबको बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है, किसी राज्य या प्रांत को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में 50 राज्यों से कुल 100 सदस्य जाते हैं, यानी सीनेट की सदस्य संख्या है वो 100 है वर्तमान में। सीनेट सदस्यों के लिए योग्यताएं, या यूं कहें सीनेट का चुनाव उम्मीदवार होता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हुई, यानी कौन व्यक्ति अमेरिका का जो सीनेट का उम्मीदवार हो सकता है वो योग्यताएं क्या क्या है। नंबर एक, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरे करने वाला व्यक्ति ही सीनेट के सदस्य का उम्मीदवार हो सकता है। दूसरा, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है, यानी कोई व्यक्ति जिस राज्य से सीनेट का प्रतिनिधित्व करना चाहता है उसका उसे मूल निवासी होना जरूरी है। तीसरी बात, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो, यानी जो उम्मीदवार बनना चाह रहा है सीनेट के चुनाव के लिए, सीनेट की सदस्यता के प्राप्त करने के लिए, तो कि उस व्यक्ति को कम से कम 9 वर्ष से वो अमेरिका में रह रहा हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संबंधित राज्य का मूल निवासी हो। ये तीन शर्तें पूरी करता है तो वो संबंधित राज्य से सीनेट का जो चुनाव होगा उसमें उम्मीदवार बन सकता है। सीनेट सदस्यों का चुनाव होता कैसे है उसकी बात करें, अमेरिका के मूल संविधान में सीनेट सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित राज्य के विधानमंडल या व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता था, परंतु 1912 में प्रस्तावित 17वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1913 में लागू हुआ के अनुसार सीनेट सदस्यों का चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से संबंधित राज्य की जनता द्वारा होने लगा है। पहले यह चुनाव अप्रत्यक्ष होता था, वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से होता है। सीनेट सदस्यों का कार्यकाल कितने समय तक कार्यकाल रहता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है वो सीनेट कहलाता है और वो एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। केवल सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है, सदन हमेशा निरंतर अपने चलता रहता है। अमेरिकी सीनेट एक स्थायी सदन है। सीनेट के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद सीनेट के एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जिनके स्थान पर नए निर्वाचित सदस्य पद ग्रहण करते हैं। सीनेट के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर या दोबारा चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई दोबारा चुनाव लड़ करके दोबारा निर्वाचित होकर के आ सकता है, कोई रोक नहीं है। गणपूर्ति की बात करें तो सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। अगर कुल सदस्यों के बहुमत सदस्य उपस्थित हैं तो बैठक होगी। सीनेट के सदस्यों के वेतन भत्ते और उन्मुक्तियों की बात करें तो वो इस प्रकार है, सीनेट सदस्य को $30,000 वार्षिक वेतन मिलता है, सीनेट सदस्य को $17,500 क्लर्क के लिए और $12,000 कार्यालय के लिए वार्षिक खर्चा मिलता है। सीनेट सदस्य को यात्रा भत्ता व स्टेशनरी खर्चा आदि भी प्राप्त होते हैं।
सीनेट सदस्य को निःशुल्क तार सेवा, टेलीफोन सेवा व चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होती है। सीनेट में सदस्य द्वारा दिए गए भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी सीनेट के सदस्य को अधिवेशन या बैठक के दौरान अपने भाषण या अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसके विरुद्ध इस आधार पर किसी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। अगर सीनेट के अधिवेशन या बैठक की बात करें तो 1933 में पारित किए गए 20वें संविधान संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट का अधिवेशन, दोनों सदनों की सहमति से ही तय दिनांक तक चलता है। यदि दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में असहमति हो जाए तो राष्ट्रपति अधिवेशन किस दिनांक तक चलेगा यह तय करता है। सामान्यतः सीनेट का अधिवेशन जुलाई तक चलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के सदस्यों के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। सीनेट का सभापति और अन्य पदाधिकारी कौन कौन होते हैं वो इस प्रकार हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा वो सीनेट का सभापति भी होगा। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता है, वो पदेन उपसभापति है। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो अमेरिका की सीनेट के सभापति के रूप में काम करेगा। भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। सीनेट अपना एक उपसभापति भी अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। यह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, यानी न तो सभापति हो न उपसभापति हो, उस परिस्थिति में जो सामयिक अध्यक्ष मनोनीत किया गया वो सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सीनेट के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को देखा जाए तो उसमें बहुमत दल का नेता, दल सचेतक, सचिव, सार्जेंट एट आर्म्स और सदन लिपिक प्रमुख हैं।